वर्तमान संपूर्ण खबर बालेश्वर जिले में जारी रही लघुचाप जनित वर्षा उपरमुंडे लगान वर्षा फल विपद संकेत टपिश जलका नदी बस्तार मथानी ठारे जलका नदी विपद संकेत 5.50 मीटर थी बेले एवं जलस्तर रही 5.70 मीटर जलस्तर धीरे धीरे वृद्धि पावे लगी। जदि जलस्तर 6 मीटर टपे तेज बस्ता ब्लक 5 पंचायत और सदर ब्लक 2 पंचायत विपद सृष्टि करपे जलकर जलस्तर वृद्धि पावर आतंकित अवस्था नदीकूलिया गांव लोके सूचना सामना आसू। अधिक आलोचना करवा मो सहयोगी सत्य सीधासख फोनलैन जोड़े होती सत्य जो देखा लघुचाप क्या आश्वस्ति आनी अर्थात चाषीगुड़ गोटे प्रकार लघुचाप आश्वस्ति आनी बेले बर्तमान जलका विपद पाल्ट अधिक सूचना कौन रही आप पाखे निश्चित भाव में देखु जो लगाण वर्षा गत रविवार अपराह पास बालेश्वर जिले में वर्षा आरंभ होती आपको नहीं जो देखा विभिन्न नदी जलस्तर वृद्धि पाई जलका नदी विपद संकेत बर्तमान प्रभावित होती गत का सतर्क संकेत टपिता आशंका कराला जो भाई विपद संकेत टपिव बर्तमान जलस्तर विपद संकेत टपिच नौटा सुधा जहां जलस्तर रही 5.70 मीटर उपर प्रभावित होती तेज जदि 6.5 मीटर पाखापाखि जलस्तर पहुंचे तब निश्चित भाव में कहीपर सतटी पंचायत अधिक विपदपूर्ण रही विपद आशंका रही साधारण बस्ता ब्लक जो नदीकूलिया अंचल गुड़िक रही जलका नदी अवबाहिकार जो गाँव गुड़िक रही सेगुड़ प्रभावित होवार आशंका रही सदर ब्लक दुईट रसलपुर श्रीरामपुर दुईट पंचायत रही आदि दुईट प्रभावित होवार आशंका रही पूर्वर देखा जदि जत की भाव में जलस्तर वृद्धि स्थान गुड़िक प्रभावित होती तेज बड़ कथा हूँ बर्तमान जहां सूचना जलसेचन विभाग पक्ष मिली जलस्तर क्रमगत बढ़ुच्च अपराह पर जलस्तर केते मात्रा आज बढ़ो ता स्पष्ट भाव में जना पड़ कारण शिमिपाल अवहिकार वर्षा हेले जलका नदी जलस्तर बढ़ी थाए जत जलका नदी जलस्तर जो बढ़े 12 घंटा समय लगी था उपर मुंड वर्षा पा आसी पहुंचा को तेणु अपराह 4 पर्यटन अपेक्षा कर जलस्तर के बढ़े कि अधिक बढ़े तेज़ से व्यवस्था कर प्रशासन पूरा नजर रखी जदि आवश्यक पड़े लोक स्थान स्थानकरण कर जो जगह कटक हम बाो जगार जदि नदी बंध भांगार संभावना रोक ये सब स्थान को प्रस्तुत रखा जाए सांगे सांगे मुकबिला करने से बास्ता जथेष भाव में महजूद रखा जाए जदि कौ जगार घाई सृष्टि हम तेणु सांगे सांगे बंद कर तेणु मोटामोटी आम कहीपर प्रशासन प्रस्तुत अच्छी और प्रशासन पूरा नजर रही स्थानीय वीडियो और तहसिलदार एमाने फिल्ड रे बुलुचंती एवं नजर रखिछंती किंतु वर्तमान पई सेबोले जतिबा बड़ विपद नाही किंतु जदि आउ जलस्तर वृद्धि हेला एवं अधिक वर्षा पुणि उपर मुंडारे आजि जारी रहिला ताले निश्चित भाबरे कहि परबा विपद आसीबो तोरे अंतर्गतक पई निश्चित भाबरे विपद आसी पारे किंतु जलकार विपद पई वर्तमान प्रशासन गोटे प्रकार प्रस्तुति आरंभ करछि दरकार पले जे आवश्यक पड़े तो लोकक मध्ये स्थानांतरित करा जबानी मध्ये सूचना सामने कस्तला बहुत बहुत धन्यवाद सचेत आपन समस्त सूचना पई। जबरदी खबर को मूर्ति उच्चता प्रसंग नहीं सचिवालय बैठक कटक शांति कमिटी पूजा कमिटी सदस्य मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र और एसआरसी प्रदीप जाना को आलोचना जारी रही राज्य में कोविड कटकणा कोहल होता बेले मूर्तिर उच्चता और आबद्ध पूजा को विरोध कर कटक पूजा कमिटी एने गत किछि दिन धरी प्रतिवाद हो आसुला 4 फुट उच्चार मूर्ति और परदा टाणी बिना भक्त पूजा को कटक पूजा कमिटी और शांति कमिटी विरोध करुछि कोविड नियम भितर पूजा पालन होता बेले यही कटकणा कौन पाई बोली प्रश्न करछि कमिटी अधिक आलोचना करवा मो सहयोगी महेश सीधासख फोनलैन जोड़े महेश देखा किसी दिन है कटक जो भाव प्रतिवाद रही है खास कर जो पार्वण ऋतु आरंभ आगू पार्वण आसू तेणु 4 फुट मूर्ति और आबद्ध पूजा को विरोध कराला बर्तमान आलोचना चलती अधिक सूचना आप रही कटक जो दुर्गा मूर्ति उच्चता बद लग रही 4 फुट अधिक उच्चतार मूर्ति से राज्य सरकार दृष्टि आकर्षण करुते प्रतिवाद करुते कटक पूजा कमिटी जो मैंने रही गत काली जानते हैं कटक विधायक रही मोहम्मद मकमी से प्रसंग उठाई बाचस्पति गोटे रूलिंग देते जे सरकार ये घटना बा संपर्क में पुनर्विचार करतु से क्रम देखा जे संपर्क में जो विभिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबा प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबा परे राज्य सरकार पूजा कमिटी और शांति कमिटी सहित आलोचना करा कि स्थिर करते से मर्म आज बैठक बसुची बैठक में पूजा कमिटी शांति कमिटी सहित
मुख्य शासन सचिव एसआरसीए मैंने उपस्थित अच्छा एवं ये जो बैठक बसुची एसरे निश्चित कौन किसी निर्देश बाहर संभावना रही से जदि पूजा कमिटी शांति जो से कोविड कटकणा मानिकी पूजा करने कि प्रस्तुत अच्छा किंतु ये जो मूर्ति उच्चता नहीं कि जो गाइडलाइन जहां रही राज्य सरकार से गाइडलाइन परिवर्तन करा कि से दावी कर जानते क्रम कहे अगस्ट जदि जो गोटे बंद डाकरा दौले जदि सरकार ए संपर्क में पुनर्विचार न करती गोटे बंद डाकरा दि जाए दौरे शांति कमी तो मोटामोटी भाव में जब कह आज जी कह दसटा बेले प्रथम सचिवालय बैठक आरंभ हो सारी तेर तारीख जो बंद डाकरा दि जा पूर्व समस्त पूजा कमिटी गुड़िक बंद डाकरा दी जाए तेज आज बैठक कौन निर्देश बाहर एवं पूजा कमिटी शांति कमिटी कौन दाबी रखुंत सरकार कौन जो पूर्वर जो निष्पत्ति कौन पुनर्विचार कर जो नियम कही चारि फुट उच्चता रपर्क में सरकार कौन पुनर्विचार कर बैठक पर ही स्पष्ट हे निश्चित पक्षे गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी एसआरसी मुख्य शासन सचिव अध्यक्षता बैठक बसी शांति कमिटी मध्य उपस्थित रोचे बैठक आरंभ हो सारी अनुमान रही है बैठक में कौन निष्पत्ति बाहर ताक ही प्रतीक रही बहुत बहुत धन्यवाद महेश आप समस्त सूचना। परवर्ती खबर को आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में भिजिलांस रेड बलांगीर जिला मुरीभाल ब्लॉक रो चलकी पंचायत रे पियो विश्वंबर भोईं को घरे विजिलेंस चढ़ाव होई छी एककालीन तीनोटी स्थान रे विजिलेंस चढ़ाव करछे विश्वंबर भोईं को पटनागर सहर गंगानगर प्रत्येक गां तमिया एवं कार्यालय चलकी सरकारी कार्यालय रे चढ़ाव जारी रहितला बलांगीर विजिलेंस डीएसपी सदानंद पाणी एने सूचना दैछंती। देश में 24 घंटे कोरोना ला 369 जनों जीवन और कोरोना मृत्यु संख्या 441,411 को वृद्धि पाई सेपर देश में दिनक 37,875 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सहित मोट आक्रांत संख्या 3,30,96,718 को वृद्धि पाई एजाए सुस्थ हो 3,22,64,051 जन 3,91,256 कोरोना आक्रांत एवं भी चिकित्साधीन अच्छा केरल 25,772 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरी 199 जन जीवन नहीं महामारी काली सुधा 70,75,43,018 जन को टीका दि जाइए केन्द्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एने सूचना दे राज्यर दिनकर 762 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती संगरोधर 443 स्थानीय अंचल 319 रोगी चिन्हट होती 762 नुआ आक्रांतों मध्य 18 वर्ष कम बयस होती 102 जन खोर्धर सर्वाधिक 314 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले कटकर 119 नुआ आक्रांत चिन्हट होती मयूरभंजर 29 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 26 और जगतसिंहपुर 24 केन्द्रापड़ 21 नुआ मामला सामना को आसी एथसत राज्य में संक्रमित संख्या 10,13,567 को वृद्धि पाई एजाए सुस्थ हो 9,98,591 जन 6,853 जन एवं भी चिकित्साधीन अच्छा सेपटे राज्यर 8 जीवन है महामारी कोरोना राज्य में कोविड मृत्यु संख्या 8,070 को वृद्धि पाई खोर्धा और ढेंकानाल दुईजन लेखा आक्रांतों मृत्यु होता जमापड़ी से अनुगुण बालेश्वर केन्दुझर कोरापुट जड़े लेखा आक्रांतों मृत्यु होता सूचना सामना को आसी राज्य में कोविड स्थितर समीक्षा करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संभाव्य तृतीय लहर ठू निरापद रहा कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को पर्वपर्वाणी समय समस्त सतर्कता अवलम्बन करने को सामान्य अवहेला समस्त विपदर कारण हो पारे मुख्यमंत्री कहते एथस अवहेला कले पुणी लॉकडाउन फेर मुख्यमंत्री सतर्क कराई देते पिला कोरोना ठार दूरे रखा समस्त दायित्व हवा दरकार पाने टीका नहीं ना तृतीय लहर में पिला अधिक संक्रमित हवा आशंका रही एणु कोविड नियम पालन जबली कौन हेड़ा न हुए से समस्ते जत्नवान हवा आवश्यकता रही अवहेला
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମେଡିକାଲ, ଅଫିସ, ହାଟ, ବଜାରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜାର ହାଟରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଇଏସ୍ଆଇର ଖେଳ ତାଲିବାନ ଦୋହା ଟିମ୍କୁ କରାଗଲା ଅଣଦେଖା। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାମଚଳା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଲା ମହମ୍ମଦ ହାସନ ଆଖୁନ୍ଦେ ଏବେ ତାଲିବାନ ସରକାରର ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଲା ମହମ୍ମଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ନୂଆ କେୟାରଟେକର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣେଣ୍ଟ ବା କାଉନ୍ସିଲର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ତାଲିବାନ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅବଦୁଲ ବରାଦର ହେବେ ଡେପୁଟି ଲିଡର ବା ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆ ସରକାରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୌଲାୟୋ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ୍ ହେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଲହାଜ ଖଲିଫା ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ହାକାନି ହେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଲା ଅବଦୁଲ ହକ୍ ୱାସିକ୍ ହେବେ ଏନ୍ଡିଏସ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଖ୍ୟ, ଅଲହାଜ ମୁଲା ଫଜଲ ଆଖୁନ୍ଦେ ହେବେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେହିପରି ମୁଲା ତାଜ ମିର୍ ଜୱାଦ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଲିଡର ହେବେ, ମାୱାଲିୟ ଅମିର ଖାନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଶେଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ଆବାସ ସ୍ଥାନିକ ଯାଇ ହେବେ ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର, ଶେଖ୍ ମଲୱାଇ ନୁରୁଲା ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜବୁଇଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଫୌଜ ହମିଦ କାବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଲିବାନ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସରକାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମନୋନୟନକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସିରିଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନ ଚଳାଇବ, ପୁରୁଣା ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳରେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ, ଆଉ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି କାମଚଳା ସରକାର ଦେଶର ଶାସନ କରିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ରୁଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଜେନେରାଲ ନିକୋୟଲ ପାତ୍ରସେଫ୍ ଏ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା। ତାଲିବାନକୁ ରୁଷ ପ୍ରଥମରୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବି ପରେ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସେଭଳି ଆମେରିକା ବି ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଆଇଏର ମୁଖ୍ୟ ୱିଲିୟମ ବର୍ନମ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଆଜି କୃଷି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସମୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2021, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021 ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପରିସର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ। ତ ଅଜିତ, ଆଜି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି କଥାଟି ଦେଖିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ 4ଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମବାୟ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏଇଭଳି ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତା ବାଦ ଦେଖିବେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଯେ 4ଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି
ओडिशा पंचायत आईन संशोधन बिल 2021 जहाँपुर कि समस्त नजर रही बिलटी गृह पारित होगा पंचायत निर्वाचन पर एक प्रकार क्लीयरेन्स मिल अर्थात जदि कह जो संरक्षण सीमा रही 50% भितर संरक्षण रखा जो कटका रही कोर्ट कटका आज बिलटी पारित होगा 50% भितर संरक्षण रहाकि देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति पछुआ वर्ग लगी जो 50% भितर संरक्षण रही व्यवस्था जो ये जो बिल रही संशोधन आवश्यक आईन जो संशोधन आवश्यकता पड़ता निकट कैबिनेट मोहर मारा गत काली रही पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना उपस्थापन करते आज से बिलटी आलोचना हो पास क्यों ना कौन बिलटी अनेक गुरुत्वपूर्ण रही समस्त नजर रही है बिलटी पास होगा पंचायत निर्वाचन पर एक प्रकार प्रक्रिया आरंभ हो जो संरक्षण नहीं प्रक्रिया आरंभ हो क्यों जगह के संरक्षण कितु अंपटे देखिए दुई दिन हम विधानसभा गृह कार्य सुरखुरी चली प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कथ कहतु शून्यकाल कहतु मुलतवी आलोचना कथ कहतु पर्दिन भी मोशन आसी कृषि और मरुड़ी समस्या उपरे देखिए दुई दिन हम गृह कार्य सुरखुरी चली गोटे एक प्रकार सरगरम आलोचना चली प्रश्नकाल हूँ विधायक मैंने प्रश्न पचार अंचल समस्या को नहीं जो विभाग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही विभाग मंत्री उत्तर रखुंट अंपटे जब मुलतवी आलोचना कथ कहतु मुलतवी आलोचन सरगरम आलोचना गत काली देखिए दुई दिन हम आईन परिस्थिति को नहीं एक प्रकार गृह कार्य सरगरम रही गत काली मुलतवी आलोचना काल में आईन श्रृंखला परिस्थिति पर जेतु आसी मुलतवी आलोचना तापर उभय विरोधी एवं शासक दल मध्य एक प्रकार सामना सामने होते आलोचना पर्यालोचना चली अनेक गुरुत्वपूर्ण दिग मध्य क्षेत्र से सामना को आसी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही गुरुत्वपूर्ण विभाग पर आलोचना करा सब बड़ कथ रही विरोधी मैंने पूर्वी सहयोग कर देखा बाकी रहा बहुत बहुत धन्यवाद अदेश आप समस्त गुरुत्वपूर्ण सूचना आज दिन 12 नीलाद्री भक्त निवास में बस श्रीमंदिर दर्शन नई एसओपी समीक्षा बैठक आज जारी हम नुआ एसओपी नूतन एसओपी दर्शन व्यवस्था को अधिक कोहल कर सप्ताहत सटडाउन जो शनिवार रविवार दर्शन बंद रोता बेले राज्य सरकार को सेप्टेम्बर गाइडलाइन ने हटी सटडाउन हेल्ले श्रीमंदिर नूतन एसओपी आसवा पूर्व मंदिर सानिटाइजेसन करने सप्ताह दुई दिन दर्शन बंद रोचे आज मुख्य प्रशासक किशन कुमार के अध्यक्षतार हाबकु बैठक में परिचालना कमिटर थी पांच जन सेवायत प्रतिनिधि और जिलापाल एसपी जोगदेवे कोरोना नियंत्रण आसवा पर शनिवार और रविवार श्रीमंदिर भक्तों का खोल को निष्पत्ति दर्शन समय परिवर्तन करा अनुमान कराउची संध्या सतटा परिवर्ते राति 9 पर्यंत भक्तों पर श्रीमंदिर खोला रही निष्पत्ति निजी पूरी जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक हमारा जो वर्तमान एसओपी चालू सेटा को केमती हमें रिवाइज्ड एसआरसी गाइडलाइन अनुसार करेंट कोविड सिचुएशन अनुसार केमती रिवाइज करा डिस्कशन करा सब स्टेक होल्डर माने रहिबे और समस्त कंसल्टेशन पर हमारा नया एसओपी बाहर करा टी20 विश्वकप भारत दल आज घोषणा कर चेतन शर्मा नेतृत्वाधीन चयन कमिटी आपत 14 जन नाँ मोहर मारी सारी आउ काली दल घोषणा होबार आशा करा किंतु इंग्लैंड गस्तर थिबा अधिनायक विराट कोहली और मुख्य प्रशिक्षक रवि शास्त्री लंडन ने संगरोधर थिबार दल घोषणा को आज को घुंचाई दिखाई तेणु बुधवार उभय कोहली और शास्त्री सह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मनोनयन करप्ता माने आलोचना परे मनोनयन समिति बैठक बसी चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो बीसीसीआई उपसभापति क्षमा करिबे बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली और संपादक जय शाह मनोनयन समिति उपदेष्टा भाव बैठक में अंशविशेष रहिबे बोली जनापड़िछि आईसीसीर नियम अनुजाई कौन भी दल सर्वाधिक 30 जन दल घोषणा करिपारिब पूर्व संस्करण यह संख्या 23 थे कोविड महामारी को दृष्टि रखी आईसीसी यहाँ 30 को वृद्धि करछि हेले ए बाबदर अतिरिक्त खर्च संपृक्त बोर्ड बहन करिबे बोली आईसीसी स्पष्ट कर देछि पर अधिकांश दल से 15 जन तालिका घोषणा कर सारे भांगिला 8 संपर्क शिखर संपर्क में फाट भारतीय क्रिकेट टीम्र प्रारंभिक ब्याट्समैन शिखर धवन वैवाहिक संपर्क फाट शिखर निज पत्नी आयशा ठार् छाड़पत्र जमापड़े पाखापाखि 8 ते आयशा मुखार्जी बहुत बंधन बांधि होते भारतीय क्रिकेट टीम्र ओपनर शिखर धवन उभयों एक पुओ अच्छे पुओर ना हो जोरावर
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବକ୍ସର ଆୟେଶା ପୂର୍ବରୁ ବି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶିଖର ଧୱନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ କରିବେ ଧୱନ।